गाइस, आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल के पकोड़े। मूंग की दाल मैंने आधा या एक घंटे पहले भिगो के रखी थी। मूंग दाल सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मूंग दाल के बहुत फायदे हैं। मूंग दाल से पानी हटा के मिक्सर में दरदरी पीस के लेती हूँ। मैंने दाल को अच्छे से दरदरा पीस के लिया है। अब मैं निकालूंगी एक बाउल में। अब मैं डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक चम्मच तेल, एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अपने हिसाब से, लाल सूखी मिर्च और लहसुन हमने पहले ही पीस के लिया एक चम्मच, एक चुटकी भर सोडा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ऑयल हमने गरम करने रख दिया है। अब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी मूंग के पकोड़े। हमें पकोड़े छोटे छोटे ही डालने हैं, इससे पकोड़े अंदर से कच्चे ना हो। हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकालूंगी एक बाउल में। हमारे पकोड़े अब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप हमारे घर के खाने को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।